अगली खबर है इंदौर से। नाइट कल्चर लागू होने के तीसरे ही दिन इंदौर के पॉश इलाके के एक पब में फायरिंग हो गई। एसयूवी में बैठकर आए बदमाशों ने ताबड़तोड़ 5 फायर किए। ये गोलियां पब संचालक और उसके दोस्त के पैर में लगी। बताया जाता है कि पब में एक व्यक्ति और उसके परिवार को बाउंसर ने पब में जाने से रोक दिया था। इसे लेकर पब के संचालक से कार चालक की कहा सुनी हो गई। कुछ देर बाद कार के अंदर से ही आरोपी ने एक के बाद एक 5 फायर कर दिए, जिसमें पब के मालिक और उसके दोस्त के पैरों में गोलियां लग गई। सूचना के बाद मौके पर पुलिस पहुंची। सीसीटीवी से फुटेज निकाल कर पुलिस ने कार मालिक का पता लगाया और उसके घर पर दबिश भी दी, लेकिन वह मिला नहीं। टीआई रविंद्र गुर्जर के मुताबिक विजयनगर क्षेत्र के जेमिनी बिल्डिंग के बाहर एक पब मालिक पीयूष पिता सत्य नारायण पवार निवासी राधा रामेश्वर रीजेंसी बंगाली चौराहा और राजपुर ढाबा के मालिक राहुल पिता लाल सिंह चौहान निवासी पिगडम्बर महू को सोमी उर्फ सोनी यादव और उसके साथी ने गोली मार दी। सोमी पहले यहां अपने परिवार के साथ पहुंचा था, जिसे बाउंसर ने अंदर नहीं जाने दिया। इस बात को लेकर पब संचालक पीयूष से विवाद भी किया उसने। कुछ देर बाद उसने यहां आकर पीयूष और राहुल पर उस समय फायर कर दिए। घटना के बाद आरोपी मौके से भाग गया। वहीं दोनों को उपचार के लिए निजी अस्पताल भेजा गया है। जानकारी के मुताबिक कुख्यात बदमाश हेमू और पिंटू पहले इस बार को संचालित किया करते थे। शराब सिंडिकेट के नाम आने के बाद उन्होंने बार का संचालन पीयूष को सुपुर्द कर दिया था। गोलीकांड के बाद हेमू और पिंटू भी यहां पहुंचे थे। शुरुआत में गैंग वॉर के चलते पुलिस के पास गोली चलने की कहानी पहुंची थी, लेकिन देर रात खजराना टीआई दिनेश वर्मा के साथ लगी टीम ने पूरे मामले में से पर्दा उठा दिया। जिस कार से गोली चलाई गई थी वह सोमी यादव ओमिक सिटी के घर के बाहर खड़ी मिली। रात में जब पुलिस यहां पहुंची तो सोमी और उसकी पत्नी यहां नहीं मिले, जबकि परिवार के अन्य सदस्य घर के अंदर ही थे। रात में पुलिस ने उनसे पूछताछ की, लेकिन वो घटना और सोमी के बारे में कुछ नहीं बता पाए। पुलिस के मुताबिक सोमी उर्फ सोनी की तलाश की जा रही है। वहीं पुलिस को पब के बाहर बिल्डिंग के सीसीटीवी फुटेज भी मिले हैं, जिसमें पहले सोमी विवाद करते हुए दिख रहा है।